गुड इवनिंग टू ऑल। आज जो आपका डेमो लेक्चर है वो जीके का है, और जीके का डेमो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक से करवाऊंगा जो आपको भी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, हम एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और एचपी कहाँ पे है? इंडिया में। और इंडिया कहाँ पे है? एक कॉन्टिनेंट में, जिस कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। तो यानी हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ऐसे कितने और कॉन्टिनेंट है, जो टोटल कॉन्टिनेंट या जो टोटल महाद्वीप हैं वो है दोस्तों सात। वो सात महाद्वीप कौन कौन से हैं वो चीज हमें सबसे पहले देखनी है। तो देखिए, एक महाद्वीप का नाम है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ठीक है। दूसरा जो महाद्वीप है उसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। तीसरा जो महाद्वीप है उसका नाम है दोस्तों अफ्रीका। जो चौथा महाद्वीप है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। जो पांचवा महाद्वीप है उसका नाम है एशिया। जो छठा महाद्वीप है उसका नाम है अंटार्कटिका। और जो अपना सातवां महाद्वीप है उसका नाम है दोस्तों यूरोप। तो ये अपने सात महाद्वीप हैं। और अब हर एक महाद्वीप की कोई ना कोई ऊंची चोटी होगी, यानी हर एक कॉन्टिनेंट की क्या होगी दोस्तों? हाईएस्ट पीक होगी, ठीक है। अब यहां से सवाल आपको आने ही वाला है, और हर एक कॉन्टिनेंट की क्या होगी? आपकी लॉन्गेस्ट, साथ ही साथ में रिवर भी होगी। अब ये जो हाईएस्ट पीक है, इसे करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक करवाऊंगा। इस हाईएस्ट पीक को, हर एक कॉन्टिनेंट की हर एक हाईएस्ट पीक को करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? एक ट्रिक से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, ट्रिक है, वो कुत्ता यूरोप आया, मैंने मारा, आया मजा। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहीं से हमारी सारी की सारी जो है पीक्स कवर हो जाएंगी। ये बीच में हमने एक सेंटेंस जोड़ने के लिए बनाया। देखिए, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उस चोटी का नाम है विंसन मासिफ। तो यूरोप, सॉरी, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है विंसन मासिफ। विंसन मासिफ। अब अगर आप विश्व का मैप देखेंगे, अगर इस तरह से विश्व का मैप है, तो अंटार्कटिका की जो पोजीशन है वो है दोस्तों यहां पे। जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसकी जो पोजीशन पड़ती है वो कहां पे पड़ती है? वो यहां पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की आपकी पोजीशन पड़ती है, ठीक है। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? विंसन मासिफ। और यहीं पे अगला कॉन्टिनेंट है इसी के साथ में, जिस कॉन्टिनेंट का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है दोस्तों माउंट कॉयुस्को। तो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का क्या नाम है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कॉयुस्को, जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बाद जो अपना अगला कॉन्टिनेंट आता है वो यहां जैसे है, जिस कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। और एशिया कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो ई से कौन सी आ गई? एवरेस्ट। ई से जो चोटी आ गई, उस चोटी का क्या नाम है? एवरेस्ट। अब देखिए, अंटार्कटिका में हमेशा दोस्तों क्या पड़ी रहती है? बर्फ पड़ी रहती है। तो यहां पे रिवर नहीं होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी जो नदी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, उस नदी का नाम है दोस्तों मर्रे डार्लिंग। उस नदी का क्या नाम है? मर्रे डार्लिंग। आपको पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? मर्रे डार्लिंग। अगला दोस्तों मैंने बताया था आपको, साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया के बाद एशिया। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम है दोस्तों यांगसी नदी। उस नदी का क्या नाम है? यांगसी नदी। और ये जो यांगसी नदी है ये चीन में पड़ती है दोस्तों, चीन में पड़ती है। और जिस नदी, जहां, जिस पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है या जहां से ये निकलती है, उस पर्वतमाला का नाम है कुनलुन पर्वतमाला। उस पर्वतमाला का क्या नाम है? कुनलुन पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम होता है? यांगसी नदी का उद्गम होता है। इसी कुनलुन पर्वतमाला से एक नदी और है चीन की, जो दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिस नदी का नाम है दोस्तों हांग हो नदी। जिस नदी का क्या नाम है? हांग हो नदी। इसे हांग हो नदी भी कहते हैं, इसे पीली नदी भी कहते हैं, और साथ ही साथ में इसे चीन का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चीन का शोक। आपको सवाल पूछा जाएगा, हिमाचल का शोक कौन सी नदी है?
स्वा नदी। बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है दोस्तों? ब्राह्मणी नदी। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों जो चीन का जो शोक है वो कौन सी नदी है? या तो पीली नदी आएगा या तो आएगा हांगहो नदी। और ये हांगहो नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? कुनलुन पर्वतमाला से। और ये कुनलुन पर्वतमाला से ही एशिया कॉन्टिनेंट की, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है दोस्तों यांगसी नदी। अगला जो अपना कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट का नाम है दोस्तों अफ्रीका। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों किलीमंजारो। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है किलीमंजारो। अभी मैं आपको ट्रिक बना दूंगा, इस चीज की ट्रिक बना दी है, इसी इन्हीं को मैं यहां पे असेंबल करके बताऊंगा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है किलीमंजारो, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम है नील नदी। ये अफ्रीका की तो सबसे लंबी नदी है ही है, साथ में विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। और ये एक देश है मिस्र, उसके बीचों बीच से निकलती है, और पूछा जाता है कि मिस्र की देन क्या है, तो वो है नील नदी। अगला है दोस्तों आपका कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट। अगला जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप का क्या नाम है? यूरोप। और यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एल्ब्रूस। उसका क्या नाम है? माउंट एल्ब्रूस। यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, और जो यहां की सबसे लंबी नदी है यूरोप कॉन्टिनेंट की, उस नदी का नाम है रिवर वोल्गा। रिवर वोल्गा यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, अगला है अपना दक्षिणी अमेरिका। जो दक्षिणी अमेरिका है वहां की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है अकांकागुआ। अकांकागुआ, अकांकागुआ कहां की सबसे ऊंची चोटी है? वो है दक्षिणी अमेरिका की। और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में ही विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित वॉल्केनो, ठीक है, जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। तो अकांकागुआ क्या है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। और दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम है अमेजन। ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, परंतु पूरे के पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी या विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। और आखिरी कॉन्टिनेंट बचता है अपना दोस्तों उत्तरी अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका है यहां की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले। उस चोटी का नाम है माउंट मैकिनले, जो है यहां की सबसे ऊंची चोटी है। और उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है, हाल ही में दोस्तों क्लेरिकल के पेपर में सवाल आ बैठा है, उसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। उसका क्या नाम है दोस्तों? मिसिसिपी मिसौरी। अब देखिए ट्रिक क्या बनी। आपको सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट लिखना है वो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कहां से शुरू हुई? विंसन मासिफ। तो वह से क्या बन गया? विंसन मासिफ। अंटार्कटिका कवर हो गया। फिर आया ऑस्ट्रेलिया, यहां पे ऑस्ट्रेलिया होता है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट कॉयुस्को। माउंट कॉयुस्को, तो यहां से क्या आ गया? कॉयुस्को। फिर आ गया यहां पे आपका एशिया, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। तो यहां से कौन सी चोटी आ गई? एवरेस्ट। और एशिया के साथ में क्या है? यूरोप। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एल्ब्रूस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? एल्ब्रूस। और यहां पे आपका एक कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम बताया मैंने आपको? किली मंजारो। मंजारो, तो एम से कौन सी आई? किली मंजारो। फिर उसके बाद है आपकी उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है दोस्तों? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, एम से, माउंट मैकिनले। और आखिरी जो आपका कॉन्टिनेंट बचा वो बचा दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? अकांकागुआ। और उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अकांकागुआ। ट्रिक क्या बनी? वो कुत्ता यूरोप आया, मैंने मारा आया मजा। तो एम से कुछ नहीं रखना है अपने आप। तो दोस्तों इसी तरह से जो भी हमारा हर एक कॉन्टिनेंट है उसकी हर एक हाईएस्ट पीक मैंने आपको दोस्तों कवर करवाई, और वहां की हर एक लंबी नदी भी कवर कराई। इसी तरह से दोस्तों जो आपका डेमो लेक्चर है, हमारी जो और भी क्लासेस हैं वो इसी तरह से होती हैं, लेकिन डेमो क्लास में दोस्तों थोड़ा तेज करवाया जाता है।
ठीक है, ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो और आपको पता लग सके कि पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं वो किस तरह से ली जाएंगी। जब आप क्लासेस में ज्वाइन करेंगे तो आपकी यही क्लास काफी आराम से आपको समझाई जाएगी, आपको लिखने का समय दिया जाएगा, ठीक है, और आप कमेंट के थ्रू क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, है ना, कि आपको कोई चीज समझ नहीं आई। और यही वीडियोस दोस्तों आपको रिकॉर्डेड सेम टू सेम यही वीडियोस जो आपने क्लास में देखी हैं यही आपको ड्राइव में भी मिलेंगी और सिर्फ आप ही उन वीडियोस को देख पाएंगे। इसी के साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और हर सैटरडे दोस्तों आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो है पूरा का पूरा कोर्स रहता है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी दोस्तों व्हाट्सएप कर दें, और ये आखिरी बैच रहने वाला है पुलिस का। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी सर को व्हाट्सएप करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो और ये ट्रिक आपको पसंद जरूर आई होगी। थैंक यू।